तो गाइज एक और बार वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। एक और बार यार जंग छिड़ गई जिस टाइम पे पीस होने वाली थी, बस शांति होने वाली थी, उसी टाइम पे करेक्ट फाइट स्टार्ट हो गई। मतलब लिटरली यार कितनी बार होगा जैसे ही हम लोग घर जाने वाले होते हैं वैसे ही कुछ ना कुछ हो जाता है। और इस बारी इस एक ट्रैप ने पूरा का पूरा जो पीस होने वाला था वो खराब कर दिया। तो आज हम लोग पता लगाएंगे कि ये ट्रैप आखिर किसने लगाया। तो मैं आज पूरी की पूरी जांच पड़ताल करने वाला हूँ तुम लोगों के साथ मिलके कि ये ट्रैप आखिर लगाया किसने है। बट उससे पहले गाइज मैं लाइक गोल बताया तो आप लोगों को लाइक गोल इस बारी का है 1,00,000 लाइक का। तो जिसने भी लाइक नहीं करा लाइक कर दो, जो भी नया प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। हम लोगों को जाना है अगला 8,00,000 की तरफ को, तो जिसने भी सब्सक्राइब नहीं करा कर देना। बाकी चलते हैं वीडियो की तरफ को। ओके तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अपने बेस में, अभी जो अंडर वाटर वाला बेस है। और फटाफट से एक बारी में क्या करता हूँ, मैं पहले अपना पूरा का पूरा आर्मर लेता हूँ ठीक है, और उसके बाद हम लोग चलते हैं ठीक है थोड़ा सा साइट की तरफ को। भाई ये आर्मर लगाते ही क्या ही मस्त मजा आ जाता है। हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग पोशन ऑफ स्विफ्टनेस ले लेते हैं बस दो अपने साथ, एक्चुअली एक से भी चलो ठीक है दो रख लेते हैं ठीक है, जस्ट इन केस अगर हमें थोड़ा तेज तेज मैनूवर करना पड़ा इधर उधर। ओके तो दोस्तों मैंने सारा का सारा सामान अपना रख लिया है और अब हम लोग पता करेंगे कि क्या हुआ है। देखो पहली बात तो ये कि हुआ क्या है कल, वो मैं तुम लोगों को समझा देता हूँ एक बारी। लिटरली पीस होने वाली थी ब्रो, पीस होने वाली थी, बट किसी ने तो ऐसा एक ट्रैप सेट करा जो कि उन्हें पता था कि यार ईशान भाई तो उसको छुएंगे ही छुएंगे, क्योंकि तुम लोग दिमाग लगाओ ठीक है। ईशान भाई ने वहाँ पर पूरा का पूरा समझाया था रॉनी भाई को कि कैसे क्या हुआ था, कैसे लड़ाई हुई और कैसे हम लोग निकले, जो कि करेक्ट आज से एक हफ्ते पहले हुई थी लड़ाई, या थोड़ा सा एक हफ्ता और दो दिन ज़्यादा। तो उस टाइम पे जो लड़ाई हुई थी वो समझाई थी पूरी की पूरी उन्हें कि क्या हुआ और कैसे हुआ। बट तुम लोग अगर ध्यान दोगे तो वो जो ट्रैप था उसकी वजह से एक पूरी लड़ाई छिड़ गई। और सीधी सी बात है यार, जब ईशान भाई और स्मार्टी भाई ने बोला कि हम लोग जा रहे हैं हमारा वो करने बदला लेने वहाँ पे, तो उनने मेरे से बोला कि भाई हम लोग जा रहे हैं तुम लोग आ रहे हो ना, तो अगर मैं उस टाइम पर उनको छोड़ देता तो यार ऐसा दोस्त किस काम का जो अपने दोस्तों को तभी छोड़ दे जब उनको उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। मतलब लिटरली ब्रो, जब ईशान भाई और स्मार्टी भाई को मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, अगर मैं बोल देता नहीं भाई मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, अभी हमें पता नहीं है ट्रैप किसने बनाया, तो यार वो बहुत ज़्यादा गलत हो जाता। तो मेरे पास तो कोई चॉइस नहीं थी कि मैं यार कहीं जाऊँ नहीं जाऊँ। बट द थिंग इज जिसने भी ट्रैप बनाया ना उसने बहुत दिमाग से बनाया, उसने ऐसे बनाया ये ट्रैप कि पीस हो ही ना। ये एक क्लियरली पीस के अगेंस्ट बनाया हुआ ट्रैप था अगर तुम लोग ध्यान दोगे तो ठीक है। क्योंकि सीधी सी बात है, सोचो अगर हम नहीं गिरते, मान लेते हैं कि हम नहीं गिरते ठीक है, और जैसे कि हम लोगों को पता है क्लियर कि हम लोगों ने ट्रैप नहीं बनाया क्योंकि हम लोग खुद को मारने के लिए ट्रैप क्यों बनाएंगे। तुम बताओ हमें इससे गेन क्या हुआ, बस मेरे को एक ये चीज़ समझा दो कि हमें इस चीज़ से गेन क्या हुआ, क्योंकि मुझे तो कुछ भी नहीं लग रहा। लिटरली मैं सोच भी रहा हूँ कि अगर हम लोगों ने ये ट्रैप बनाया होता तो हमें इससे गेन क्या हो सकता था, और मेरे को हर बार आंसर आ रहा है जीरो गेन। तुम लोग बताओ क्या गेन होगा भाई, हम लोगों के सारी रिसोर्सेज वहाँ पर हैं, हमें इस जगह पर रहना पड़ रहा है जहाँ पर हमारे पास लिटरली कुछ भी नहीं है। अब धीरे धीरे हम लोग बना रहे, बट द थिंग इज कि हमें हर चीज़ बनानी पड़ रही है, वहाँ पर हर चीज़ ऑलरेडी बनी पड़ी है। हमारे इतने सारे रिसोर्सेज, तुम लोगों ने देखा मेरे पास कितने रिसोर्सेज पड़े हुए हैं वहाँ पे, मेरे इतने सारे रिसोर्सेज वहाँ पे बने पड़े हुए हैं। तो तुम लोग बस सोचो कि ये क्या सीन है कि हम लोग अगर यहाँ पर एक बनाते हैं और उसका लड़ाई करते हैं हमें क्या मिलता है इससे। लिटरली मैं तो नहीं सोच सकता कि मुझे कुछ भी मिलता है यहाँ पर ठीक है। तो वही चीज है, और उसके बाद अगर तुम लोग देखो कि यहाँ पर हुआ क्या, देखो बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे थे कि ये ट्रैप रॉनी भाई ने बनाया होगा, बट फिर मेरे को वही हुआ कि यार ये रॉनी भाई बनाएंगे क्यों। ठीक है थोड़ा रेडस्टोन उनका जॉनर है कि रेडस्टोन से एकदम अगर क्रेजी चीजें कोई बनाता है तो यार वो सीधी सी बात है वो रॉनी भाई है। बट द थिंग इज कि यार फिर लेकिन उनको क्या मिला इस चीज़ से, उनका क्या बेनिफिट हुआ यहाँ पर ठीक है। तो वो मेरे को ये चीज़ दिखी नहीं, क्योंकि सीधी सी बात है तुम लोगों को पता है कि रॉनी भाई का भी थोड़ी सी लड़ाई वड़ाई चल रही है, तो रॉनी भाई को अगर इस चीज़ से कोई बेनिफिट होना होता तो उन लोगों को बेनिफिट होता कि समझ लो सारी चीज़ें शांत हो जाती, हम लोग घर आ जाते तो उनकी भी बात फिर उठाई जाती कि उनका घर किसने क्यों तोड़ा, वापस बनाओ और अब ऐसे रूल्स लेके आओ कि उनका घर नहीं तोड़ा जाएगा और सब कुछ। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे तो यार देखो सीधी सी बात है जो मेरे को लग रहा है, मैं तुम लोगों को बताता हूँ ठीक है मेरे को, लेकिन मैं रॉनी भाई को क्लीन चिट नहीं दे रहा, मैं ये नहीं बोला कि रॉनी भाई ने नहीं किया होगा, क्योंकि मुझे पता नहीं आ रही किसने किया हुआ है ठीक है, मुझे कंफर्म 100% नहीं पता है कि ये किसने किया हुआ है ठीक है। क्योंकि सीधी सी बात है देखो मैं 100% भरोसा किसी पर भी नहीं कर सकता ठीक है अब, क्योंकि जिस हिसाब से ये चीज़ें चल गई है ना उस हिसाब से। लेकिन तुम लोग अगर ध्यान दोगे, मैं तुम्हें एक क्लिप भी दिखाता हूँ, जब हम लोगों ने चपाती भाई को मारा था अगर तुम लोग ध्यान दोगे ना तो लिटरली चपाती भाई के पास से सिर्फ वही चीज़ें निकली जो चीज़ें इस ट्रैप को बनाने में लगी थी,
और वो चीज़ बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग थी। बट यार मेरे पास कोई एविडेंस, मतलब समझ रहे ना, मेरे पास कोई ऐसा हार्ड एविडेंस नहीं था, इसलिए मेरे को कुछ, मैं ऐसा कुछ बोलना नहीं चाहता था। बट जब मैंने वो वीडियो दोबारा से देखी पूरी की पूरी, तो मुझे दिखा यार लिटरली उनके पास सिर्फ वही सामान था जो कि इस ट्रैप को बनाने में काम आया था, ऑब्जर्वर्स को छोड़कर। लेकिन ऑब्जर्वर्स को छोड़कर उनके पास सब कुछ था, उनका ड्रिप स्टोन था, उनके पास रेड स्टोन के ब्लॉक्स थे, और उनके पास बहुत सारी चीज़ें और थी। तो यार ये चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज करी कि उनके पास ये सब सामान, क्योंकि ये नॉर्मल चीज़ें नहीं है यार। ये तुम लोग अपनी जेब में क्या ड्रिप स्टोन और रेड स्टोन के ब्लॉक लेके घूमते हो क्या? कोई नहीं लेके घूमता यार ये सब चीज़ें। तो मेरे को उस चीज़ में कन्फ्यूजन हुआ। फिर सेकंड कन्फ्यूजन मेरा कहाँ पर अराउज हुआ, जब हमारी लड़ाई हुई। देखो सीधी सी बात है, हम लोगों ने एम्बुश किया। देखो मैंने तुम लोगों को क्लियर बोला भाई कि मैं अपने दोस्तों का अकेला तो छोड़ नहीं सकता, ठीक है ना। अगर स्मार्टी भाई और ईशान भाई जा रहे तो मैं ये नहीं बोल सकता कि भाई मैं जब पूरी जांच पड़ताल करूंगा उसके बाद ही जाऊंगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता भाई। सीधी सी बात है, अगर वो लोग मेरे दोस्त है और मैं उनको जिस समय उनको मेरी नीड है उस टाइम पर छोड़ दूंगा, तो फिर मैं किस नाम का दोस्त, राइट? ठीक है। तो मैंने एक चीज़ ध्यान दी कि जिस टाइम पे वॉर हुई, ठीक है, एवरीवन वाज प्रिपेयरिंग, ठीक है। आज पहली बात तो ये कि कल को स्टार्टिंग से सब लोग प्रिपेयर करते हैं फॉर पीवीपी, ठीक है। पीवीपी के लिए स्टार्टिंग से वो लोग प्रिपेयर कर रहे थे। जब मैं अपना काम करता, लाइक मैं ऐसे इधर उधर जा रहा हूँ, मैं पटाखे बनाने की सोच रहा हूँ कि यार अगर हम लोग वापस आते तो पटाखे बजाएंगे, इंडिया के फ्लैग बजाएंगे, ये सब चीज़ें। और वहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पर मस्त पीवीपी वाले प्रैक्टिस चल रही है। और दूसरी बात कि जिस समय पर हम लोगों ने उन पर अटैक करा, वो लोग पीवीपी प्रैक्टिस कर रहे थे, ना कि ऐसा तैयारी कर रहे थे, क्योंकि नीचे से साफ साफ लिखा था कि इन्हें इसको स्ले करा, और वो लोग आयरन के आर्मर में थे, ये मैं मानता हूँ। बट जैसे ही हम लोगों ने जाकर उन्हें मारा, हम लोगों ने जैसे उन्हें एक दो बार मारा, वो गायब हो गए कुछ टाइम के लिए। और जब वो लोग वापस आए, जस्ट इन 5 मिनट्स उन लोगों के पास लिटरली पूरा मैक्सड आउट आर्मर था, लाइक प्रॉट 4 वाला आर्मर। यार मेरे हाथ में भिक्षु का पूरा आर्मर आया था, मैंने उसमें देखा था, उसमें लिटरली प्रॉट 4 और सब कुछ एकदम मैक्सड आउट लगा हुआ था। उनके मैक्सड आउट स्वॉर्ड थी, उज्जवल भाई गैपल खा रहे हैं, उनके पास एकदम ऐसी स्वॉर्ड है जो लिटरली उनने स्ट्रेंथ का पोषण पी के मेरे को जब मारते, मेरे दो दो हार्ट जाते। जब तक मैंने खुद गोल्डन एंचेंटेड एप्पल निकाला तब तक मैं वहां से बच के निकल नहीं सकता था भाई। लिटरली मुझे जब दो जने मार रहे थे और मेरे दो दो तीन तीन हार्ट एक साथ जाते, उन लोगों के पास मैक्स सामान था सब कुछ। बट द थिंग इज, ये तो ठीक है, ये तो लास्ट टाइम की वॉर के बाद उन लोगों ने तैयारी कर ली। बट जब मैंने सोचा, बहुत दिमाग से सोचा, तो मैंने ये चीज देखी कि यार इनके पास दो आर्मर है। मैंने भिक्षु को मारा और मैं अपने डॉग हाउस के ऊपर भिक्षु का सारा सामान छोड़ के आया, लेकिन मेरे पास उसकी एक एक्स आ गई थी, उसका थोड़ा आर्मर आ गया था। मैंने सोचा ठीक है, भिक्षु अपना आर्मर यहाँ से उठा लेगा बाद में, या फिर कोई ना कोई दूसरा उनकी टीम का उठा लेगा। बट मैंने थोड़े दिन नीचे देखा और मेरे को दिखा एकदम से भिक्षु फिर से फुल आर्मर में आ गया, और वो भी फुल्ली एनचांटेड, फुल्ली प्रिपेयर्ड, और ऊपर से टूल्स के साथ, स्वॉर्ड वर्ड के साथ। तो मुझे पता चला इन लोगों के पास दो आर्मर है। और मैंने कहा एक मिनट यार, भिक्षु के पास लास्ट टाइम तक का आर्मर ही नहीं था। अगर तुम्हें याद होगा जब पहली बार वॉर हुई थी, देखो उसको ये एंचेंटमेंट मिला था जो कि होता है कवर मी इन डेब्रिस। कहने का मतलब है कि जब तुम्हें पहली बार, तुम जब नेदरराइट का आर्मर पहनते हो, तुम्हें वो एंचेंटमेंट मिलता है। उसको एक हफ्ते पहले वो एंचेंटमेंट मिला था, और उसके बाद उसने एक हफ्ते में दो आर्मर बना दिए, वो भी मैक्सड आउट, और उसके ऊपर से स्वॉर्ड और सब कुछ। भाई लिटरली ये बहुत ज़्यादा स्केची लगा मेरे को, क्योंकि देखो हमको इसी से कुछ गेन नहीं होता है। बट द थिंग इज कि उनको अगर हम लोग नहीं आते तो पूरी की पूरी एसएमपी अपने लिए मिलती है, तो उनको वो चीज़ का वहाँ पे बेनिफिट मिला है। वाइल हम लोगों को इससे कुछ भी बेनिफिट नहीं हुआ है, अगर तुम लोग ध्यान दोगे तो। हमें क्या बेनिफिट हुआ है मेरे को अगर कोई समझा सकता है तो मेरे को समझाओ भाई, कि हम लोगों को इस वॉर से हुआ क्या, मतलब इसमें हमें मिला क्या इस वॉर से। क्योंकि मुझे जहां तक दिख रहा है मेरे को कुछ भी यहां पे बेनिफिट नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ मेरा आर्मर टूटा है, और भाई हमारे जो चांसेस थे घर आने के वो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। और अब उज्जवल भाई ने बोल दिया है कि अब ना हम रहेंगे ना तुम, जो सबसे पावरफुल होगा वो रहेगा। तो इसका मतलब कि अब एक प्रॉपर और फुल्ली फ्लैश्ड वॉर होने वाली है, एकदम प्रॉपर वाली। अब वो पता नहीं कैसे होगा, मैं आई होप एकदम प्रॉपर तरीके से हो, कुछ तो एकदम प्लान्ड ऐसे खतरनाक वाला हो। क्योंकि उज्जवल भाई ने हमसे पूछ लिया कि तुम लोग अब कब आने वाले हो मुझे बताओ, ठीक है। तो उन लोगों ने पूरा ट्राई करा यार, कि कहने का मतलब है कि ऐसे दिखाने का, लाइक पहली बात तो उन्होंने किया, और उसके बाद उन्होंने ऐसे दिखा दिया कि हम लोग मान रहे कि हमें वॉर नहीं चाहिए, हम लोग मान रहे कि हमने बनाया ये ट्रैप, लो हमने बनाया ये ट्रैप। मतलब समझ लो, अगर सोचो कि तुमने बनाया हो ट्रैप और तुम खुद बोल दो कि ऐसे, अरे हमने बनाया, छोड़ो यार इन लोगों को लड़ाई करनी है ऐसे करके, तो इस चीज़ में हम बुरे बन गए, जबकि हमने इस पूरी वॉर से कुछ भी गेन नहीं करा ब्रो। हम लोगों को क्या मिला? कुछ भी नहीं, ठीक है। तो वहीं पर वो है, और उसके बाद फिर आता है रॉनी भाई का सस्पिशन, क्योंकि सीधी बात है सब लोग बोलते हैं कि भाई रेड स्टोन। देखो मैं तुम्हें एक चीज क्लियर कर देता हूं, मेरे को रेड, तुम लोगों ने देखा है मैंने कितनी बार टीएनटी कैनन बनाई है और कितनी सारी चीज बनाई है, मेरे से ये सब चीजें नहीं बनती है ब्रो। मैं क्या हगता हूं वो सब तुम लोगों ने देखा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज एकदम प्रॉपर बनाई गई है रेड स्टोन से। तो यार वो वहां पर फिर रॉनी भाई का सस्पिशन आता है, बट लेकिन फिर वही चीज है, इन द एंड ऑफ द डे रॉनी भाई को भी इससे कोई फायदा नहीं होता है, तो मेरे को वहां पर मैं कुछ नहीं बोलना चाहता था। तो ये है बाकी गाइस, यार चपाती भाई के पास वो सामान मिलना, बाकी इनके पास दो दो आर्मर होना एकदम रेडी फॉर वॉर, वो तो हम लोग एकदम प्रिपेयर्ड थे, हम लोग एकदम प्रॉपर थे, और मेरे पास गैपल पड़े हुए थे, सॉरी नॉच एपल्स पड़े हुए थे, तो इसकी वजह से मैंने थोड़ा बहुत वहां पर वॉर में संभाल लिया। फिर उन्होंने आके हमारा घर वर फोड़ दिया एंड ऑल, वो सब तो ठीक है, बट मेरे को वही चीज अभी भी सस्पिशन में आ रही है कि ये जो ट्रैप है वो ट्रैप किसने लगाया, ठीक है। तो तुम लोग मेरे को कमेंट्स में जरूर से बताना कि तुम्हें क्या लगता है कि ये जो ट्रैप है
ये किस बंदे ने लगाया हो सकता है। लाइक ये ट्रैप, इतना गजब का जो ट्रैप है, जो एक ब्लॉक तोड़ने पर इसने लिटरली लोगों को यहाँ नीचे ड्रिपस्टोन में गिरा दिया। तो भाई तुम लोगों को क्या लगता है कि ये ट्रैप आखिर बनाया किसने हो सकता है ब्रो? यार ये बहुत ज़्यादा डेंजरस ट्रैप है ब्रो, बहुत ज़्यादा डेंजरस ट्रैप है। और उसके ऊपर से उज्जवल भाई ने लास्ट टाइम, अगर तुम्हें याद होगा, तो ईशान भाई पे एक ट्रैप का टेस्ट भी किया था जो कि एक ड्रिपस्टोन ट्रैप ही था, और ईशान भाई हाफ हार्ट पे वहाँ से बाहर निकले थे। तो मुझे पता नहीं है यार कि क्या सीन है और ये ट्रैप किसने बनाया, बट तुम लोग बताना कि तुम्हें क्या सस्पिशन आ रहा है। क्योंकि यार मैं क्या बोलूँ ब्रो, मेरे को इस चीज़ में लिटरली कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि ये ट्रैप आखिर हो किसका सकता है। यार सही में ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग चीज़ है कि ये किसका काम हो सकता है, क्योंकि ये वो बंदा है जिसे पीस बिल्कुल नहीं चाहिए दोस्तों, जो बिल्कुल भी शांति नहीं चाहता है और चाहता है कि हम सब लोग अलग अलग ही रहें। ये उस बंदे का काम है। ओके तो दोस्तों एक लास्ट बारी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और जा रहे हैं हीरोब्राइन SMP मेन सिटी की तरफ को, ठीक है? क्योंकि जिसको पता नहीं है, उज्जवल भाई ने एक लास्ट चीज़ बोल दिया कि अब कोई भी हीरोब्राइन SMP मेन सिटी में नहीं रहेगा, जिसे भी रहना है वो होना चाहिए सबसे ज़्यादा पावरफुल। अब एक प्रॉपर फाइट होने वाली है दोनों टीम्स के बीच में फॉर हीरोब्राइन SMP मेन सिटी, ठीक है? तो जो मेन सिटी है उसके लिए बीच में फाइट होने वाली है, तो मुझे नहीं पता कौन जीतेगा यार। सीधी सी बात है, वो लोग और प्रेप करेंगे और ख़तरनाक बनेंगे, क्योंकि सीधी सी बात है टाइम दोनों के पास है, एक महीने का टाइम है पूरा। तो एक महीने के टाइम में कुछ भी हो सकता है। लाइक जिस हिसाब से वो PP की प्रैक्टिस करते थे, अगर वो लोग उस चीज़ को कंटिन्यू करते तो सीधी सी बात है वो लोग PP में बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। तो हम लोगों को भी प्रैक्टिस रोकनी नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि हम लोगों को चाहिए यार घर वापस। भाई एक महीना हो चुका है, वो लोग तो तब भी घर में रह रहे थे, हम लोगों को एक महीना हो चुका है हम लोग अपने घर से गए हुए। हम लोग लिटरली एक एक रिसोर्स के लिए, हमें पत्थर भी चाहिए होता था हमको लेके आना पड़ता है, इंस्टेड ऑफ लाइक कि हमारे पास कुछ ऐसा हो जैसे कि वहां पर हम लोगों ने कॉबलस्टोन जनरेटर बनाया हुआ था एंड एवरीथिंग। तो वो सब चीजें हमारे पास यहाँ पर है ही नहीं रिसोर्सेज, हम चीजों को हम लोगों को वो भी बनाना पड़ेगा अगर हमें चाहिए तो। अब सीधी सी बात है यार, हम लोग इसको एज अ बीच हाउस रख रहे हैं क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर रहना नहीं था हमेशा के लिए। तो अभी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक बार लास्ट बार जा रहे हैं वहां पर, देख के आते हैं, और फिर तुम लोगों को पता है कि एक गजब की वॉर आने वाली है दोस्तों बिटवीन द टू टीम्स। मुझे नहीं पता यार ब्रो कि क्या होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, बट बस यार एक बार ही घर जाने को मिल जाए और अपना घर सही करने को और सारे डोमकीज वापस लेने को मिल जाए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए दोस्त। ओके तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं यार, ये देखो कैक्टस टावर और हीरोब्राइन टावर। भाई हम लोगों को यहाँ पर वापस आना है यार, मैं चाहता हूँ कि सब लोग साथ में आए, बट द थिंग इज यार वो ट्रैप, भाई तुम सोचो कि मतलब यार मुझे नहीं पता कि तुम लोग कैसे सोच रहे हो, क्या तुम लोग सोच रहे हो कि सारी गलती हमारी है, बट तुम लोग एक बार ही दिमाग में बस ये सोच के देखो कि तुम्हें एक महीने से तुम अपने घर नहीं गए हुए हो, लास्ट में तुम जब घर जाने वाले तो तुम सोचते हो कि भाई तुम जितना भी तुम्हारा टूटा फूटा है ये सारी चीज़ों को तुम रिपेयर करोगे, एकदम मस्त सा वापस घर बनाओगे, सब कुछ करोगे, और उसी टाइम पे एक ट्रैप लग जाता है, तुम्हें बोला जाता है कि आ जाओ घर वापस आ जाओ, और एक ट्रैप से तुम्हारे दो बंदे मर जाते हैं, फिर वो दो बंदे जा रहे हैं लेने के लिए, तो तुम ऐसे थोड़ा बोलोगे कि जाओ दोस्तों तुम लोग करो, मैं तो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करूँगा। यार अपने दोस्तों को उस टाइम पर छोड़ देना जिस टाइम पर उन्हें तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उससे गंदा आदमी कौन होगा ब्रो। तो बस वही चीज़ है कि हम लोग गए, हम लोगों ने यहाँ पर अटैक किया और सब कुछ किया। भाई मुझे नहीं पता यार ये ट्रैप किसने लगाया था, बस ये एक बार ही बंदा हाथ में आ जाने जिसने ट्रैप लगाया था। भाई अभी हम लोग पता है यहाँ पर होते और मे बी तुम लोग ये वीडियो देख रहे होते कि रेनोवेटिंग माय हाउस इन हीरोब्राइन SMP भाई, बट उसकी जगह तुम्हें ये देखना पड़ रहा है कि किसने ट्रैप बनाया ब्रो, क्योंकि जिसने भी वो ट्रैप बनाया वो गारंटीड पीस के बिल्कुल खिलाफ है दोस्तों, उसे बिल्कुल पीस नहीं चाहिए। मैं तुम लोगों को ये चीज़ तो क्लियर कर रहा हूँ जिसने भी ट्रैप बनाया। यार मुझे नहीं पता कि ये ट्रैप किसने बनाया था, बट मेरा पूरा का पूरा शक अभी के लिए चपाती भाई और टीम पे जा रहा है, क्योंकि तुम लोग बस दिमाग लगाओ यार, हमने उन्हें मारा और जो चीज़ें ट्रैप बनाने के लिए चाहिए थी वही चीज़ें उनकी जेब से निकली। और लिटरली ब्रो स्टार्टिंग से अगर तुम लोग देखोगे तो जब हम लोग यहाँ पर थे तब भी चपाती भाई बोल रहे थे कि अगर ये लोग यहाँ रहेंगे तो हम मैं नहीं रहूँगा, फिर वहाँ पर भी मेरे को तो ये आइडिया ख़राब लग रहा है कि ये लोग आएंगे यहाँ पर, और जितनी बार भी हुआ है मैं जा रहा हूँ यहाँ पर लड़ाई होती रहेगी। तो यार मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा फील आ रहा है कि हो सकता है कि चपाती भाई ने किया हो, और उसके ऊपर से फिर तुम लोग बोल रहे थे कि चपाती भाई स्कैमिंग वो सब चीज़ें, तो मेरे को कुछ तो लग रहा है यहाँ पर कि हो सकता है कि ये ट्रैप चपाती भाई ने भी बनाया हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को रॉनी भाई पे या फिर कितने लोगों को तो हम पे भी शक हो रहा है कि हम लोगों ने खुद ट्रैप बनाया होगा ताकि हम लोग लड़े और हम लोग अपने घरों में ना जा पाए वापस। वो उसका सेंस मेरे को पता नहीं है कि उसका क्या सेंस बनता है कि लिटरली हम लोग लड़ें हमारे आर्मर टूटें और उसके बाद हम ही अपने घर को वापस ना जा पाएं, फिर एक बहुत बड़ी वॉर और हो।
उसका तो मेरे को कोई सेंस नहीं समझ में आता, बट फिर भी ब्रो जितनी चीज़ें आप बीक ले, तो मेरे हिसाब से तो चपाती भाई पे शक जा रहा है मेरा पूरा का पूरा, बट मैं 100% कन्फर्म नहीं हूँ तो इसलिए मैं कुछ बोलूँगा नहीं। बट हाँ, अगर मेरा सस किसी पे जाएगा तो वो अभी के लिए चपाती भाई पे जा रहा है, बट पता नहीं यार ब्रो, पता नहीं कब हम लोग यहाँ पे वापस आएंगे, क्योंकि यार ये जगह जितनी उनकी है उतनी हमारी भी है ब्रो, हमने भी इसको बनाने में उतनी मेहनत करी है जितनी उनने करी है, तो ये कम्बाइंड एफर्ट है ब्रो, ऐसा नहीं कि ये किसी और के लिए, ये एक जने के लिए, यार यहाँ पर हमने भी मेहनत करी थी, हमें भी हमारे घर वापस चाहिए। तो मुझे नहीं पता यार ब्रो, बट अब चाहे लड़ के लेना पड़े या फिर झगड़ के लेना पड़े, बट घर तो हम लोग वापस ले रहे हैं अपने। ओके, तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को मजा आएगा, अगर मजा आया तो प्लीज लाइक मारना, और बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना कि तुम्हें क्या लगता है ये ट्रैप आखिर काम किसका हो सकता है, ठीक है, कि तुम लोगों की क्या राय है। बाकी यार जिसने भी लाइक किया लाइक कर देना, 1 लाख लाइक का गोल है, और जो भी नया प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, हम लोग 8 लाख की तरफ को बढ़ रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल। बाकी मैं मिलूंगा आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।